तो भैया फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू ही होती है। अगर 16-17 लाख रुपए की फेस वैल्यू आपको चाहिए मात्र 11 लाख रुपए में, तो ये वीडियो एंड तक देखो, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और अगर आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हो तो भैया 11 लाख रुपए के बजट के अंदर कोई इतनी बढ़िया गाड़ी आप लेकर आ सकते हो जिसको आप रोड पे लेके निकलोगे, तो फेस वैल्यू आपको 16-17 लाख की गाड़ी वाली ही मिलने वाली है। जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है शीशो, स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। जहाँ पर आज की इस वीडियो में हमारे पास खड़ा है क्रेटा का ई, यानी कि बेस वेरिएंट, जो कि कहीं से भी देखने में बाहर से तो बेस नहीं लग रहा, अब अंदर से कितना बेस है, फिर ओवरऑल कितना बेस मॉडल वाला फील उसमें मिलता है, सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर हम करने वाले हैं आईफोन का गिव अवे। अगर आपको लकी विनर बनना चाहते हो जिसको आईफोन मिले, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, जो बिल्कुल निःशुल्क। चलते हैं इस वीडियो में आगे। ओके जी, तो हमेशा की जैसे शुरू करते हैं चाबी से, तो कुछ ऐसी चाबी यहाँ पर अपन को मिल जाती है, और जो दोनों चाबी है वो आपको रिमोट वाली देखने को मिल रही है भाई, 3 बटन के साथ मिलती है, लॉक अनलॉक और ऐसा कुछ आपको हॉर्न भी इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि मतलब नाम ही बेस मॉडल रह गया भाई, बाकी कर्म सारे इसके टॉप मॉडल वाले जो फील है वो आपको मिलता है, भले आप हॉर्न की बात कर लो, भले आप अगर फ्रंट के अंदर जैसे कि डीआरएल वगैरह मिल रहा है, हालांकि इसके अंदर फ्रंट के अंदर कनेक्टेड वाला डीआरएल नहीं है, बट फिर भी आपको इधर इतने इतने पार्ट में डीआरएल देखने को मिल जाता है। ये आप इंडिकेटर देख रहे हो, आपको हेलोजन के अंदर मिल जाता है, जो कि अपने टॉप मॉडल में भी हेलोजन के अंदर है। नीचे की तरफ आओगे तो आपको प्रोजेक्टर जरूर मिल जाते हैं, और प्रोजेक्टर के अंदर आप एलईडी लगवा सकते हो, इसके अंदर अभी तो हेलोजन आया होगा, बट वो फॉक्स वगैरह किसी को पसंद आए किसी को नहीं आए, तो आप एलईडी लगवा सकते हो इसके अंदर। बाकी अपने पास यहाँ पर जो है इधर भी आपको हेलोजन मिल जाते हैं हाई बीम के अंदर, इधर आपको एरोडाइम मिल जाते हैं, ये आपको फ्रंट के अंदर जो प्लेट मिलती है स्किड प्लेट, ये भी सिल्वर कलर की काफ़ी बढ़िया देखने में लग जाती है। इनफैक्ट अगर मैं ग्रिल वगैरह की बात करें तो यहाँ पर ग्रिल आपको मिल जाती है जो पूरी रफ प्लास्टिक के अंदर है, कोई भी आपको यहाँ पर जो है पियानो फिनिश वगैरह का इस्तेमाल नहीं करा गया है, लेकिन ह्यूंडई का काफ़ी बड़ा सारा लोगो आपको इसके अंदर मिल जाता है। एंड उसी के साथ में गाइस यहाँ पर लुक की बात करें तो भाई 11 लाख रुपये में अगर आप, मतलब मुझे तो वो लोग सोचता हूँ मैं जो 14-15 लाख रुपये में वेन्यू के टॉप मॉडल खरीद रहे हैं, भाई ये गाड़ी कितनी बढ़िया है यार, 2-3 चीज़ें करवा लोगे इस गाड़ी के अंदर, पूरा टॉप वाला फील आने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर उसी के साथ में टायर की बात करें तो MRF के टायर आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, 205/65/16 इंच का जो है पूरा आपको रिम साइज मिल जाता है, ऊपर कवर आपको इधर मिल जाता है। एंड उसी के साथ में इधर फेंडर के ऊपर आओगे तो आपको इंडिकेटर फेंडर के ऊपर मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको इंडिकेटर नहीं मिलता, बट क्रेटा सेल्टोस दो ऐसी गाड़ियाँ हैं जितनी भी ये कोरियन गाड़ियाँ हैं, इनके जो पार्ट्स वगैरह आपको आफ्टर मार्केट मिलते हैं, मतलब सब कुछ जेन्युइन आपको आराम से मिल जाता है, भले ये अपने ORVM की बात कर लो, ये इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग वाले मिरर आपको बाहर मिल जाएंगे, मतलब सब चीज़ों का जुगाड़ यहाँ पर आफ्टर मार्केट में आपको मिल जाता है। ऐसे कुछ यहाँ पर फ्यूल टैंक मिल जाता है, गाड़ी इतनी लाजवाब है कि इसका एवरेज अगर पेट्रोल की बात करें तो 16-17 आराम से दे देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाईवे के ऊपर 13-14-15 के आसपास आपको सिटी में मिल जाएगा इस गाड़ी का एवरेज। 1.5 लीटर का इंजन आपको इसके अंदर मिल जाता है, 113 PS की पावर आपको पेट्रोल के अंदर दे देती है, और उसी के साथ में अगर डीजल की बात करें तो डीजल में आराम से 22-23-24-25 तक का भी लोग बाग एवरेज इस गाड़ी से निकालते हैं, और सर्विस 6-7 हज़ार रुपये में आराम से सर्विस हो जाती है। तो मतलब ये गाड़ी ऐसी है जो आपको पॉकेट भी एकदम फ्रेंडली रहती है, और अपने पास ज़्यादा खर्चा भी नहीं कराती, रुतबा भी आपको बड़ी गाड़ी वाला पड़ता है, और कहीं पर लेके जाओगे तो एक क्रेटा का जो नाम हो चुका है ना आजकल मार्केट के अंदर, वो लाजवाब चीज़ है। मतलब ब्लैक कलर आपको बेस मॉडल से इसके अंदर मिल रहा है, और यहाँ पर आपके पास सिल्वर फिनिश मिल जाती है जो देखने में बढ़िया लगती है। बाकी अपने पास ऊपर एंटीना इधर की तरफ मिल जाता है, हालांकि शार्क फिन एंटीना जरूर आपके पास नहीं मिलेगा इसके अंदर, बट आपको वो वाला एंटीना इसके अंदर मिल जाता है। आपके पास हाई स्टॉप लैंप इधर मिल रहा है, पहले वाली क्रेटा में इधर नीचे कर जाता है, लेकिन इधर नीचे की तरफ कनेक्टेड आपको पीछे वाली लैंप कर दिए यहाँ पर, जो बेस मॉडल से आपको मिल रहे हैं भाई, ये मुझे देखने में काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी उसी के साथ में इंडिकेटर और यहाँ पर अपना ब्रेक लाइट इधर आपको देखने को मिल जाता है, Hyundai का लोगो आपको मिल गया, सेंटर के अंदर क्रेटा की बैजिंग मिल गई, 4 पार्किंग सेंसर आपको रियर के अंदर मिल रहे हैं, और कोई भी कैमरा वगैरह नहीं मिलेगा। भाई कैमरा मिलेगा भी कहाँ से, क्योंकि इसके अंदर स्टीरियो भी तो होना चाहिए कैमरे के लिए। अब बूट ओपन करना है तो अपन को इसको दबा के रखना पड़ेगा, दबा के अपन ने रखा, ये ब्लिंक करे, और हेयर वी गो, तो यहाँ पर अपन ने ओपन कर लिया, और क्या लाजवाब बूट स्पेस आपको मिल रही है भाई, और ये वाला जो नया टेक्सचर है इसके अंदर आया है ये भी देखने में बढ़िया लगता है। बाकी इसी के साथ में इसको ओपन करके दिखाऊं तो ऐसे कुछ यहाँ पर आपको MRF का ही टायर मिल रहा है 14 इंच का, और टूल किट वगैरह मिल जाती है, ट्रायंगल आपको इधर मिल जाता है, इसको बंद करें तो आपको हेलोजन लैंप नीचे की तरफ इधर देखने को मिल रहे हैं। इधर अपन इसको पूरा बोट बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद में जैसे ही अपन चलेंगे यहाँ पर अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ लेकर चलूँ आपको, सबसे पहले आप गाड़ी को एक बार साइड से चेकआउट कर लो, जो डिज़ाइन आपको गाड़ी की मिल रही है, ओवरऑल फील गाड़ी का बहुत लाजवाब आपको इसमें मिल रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह इसके अंदर नहीं है। अब इसको अनलॉक करता हूँ भाई, ओके अनलॉक करा तो वही वाला साउंड, इनफैक्ट यहाँ पर एक बार आपको बोनट पे खोला ही था तो एक बार इंजन में दिखाई देता हूँ। तो गाइज ये है आपका इंजन बे, और यहाँ पर आपको पूरा जो है पैकिंग वगैरह ढंग से मिल जाती है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा आपको इंजन बे यहाँ पर इधर की तरफ नीट एंड क्लीन देखने को मिलता है, फ्यूज़ बॉक्स इधर हो गया अपना, और ये वाला जो इंजन है पेट्रोल इंजन है, डीजल वगैरह के अंदर भी भाई मतलब लाजवाब गाड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। बाकी करते हैं इसको बंद और चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर गेट खोल के जैसे अपन अंदर आएंगे तो भाई सबसे पहली बात तो
चारों पावर विंडो आपको मिल रही है, ठीक है। हालांकि ड्राइवर साइड के अंदर आपको वाला फंक्शन नहीं मिलेगा, अप डाउन वाला ऑटोमेटिक के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पर चारों पावर विंडो मिल रही है, लॉक अनलॉक का फंक्शन मिल रहा है, और उसके साथ में चाइल्ड लॉक इधर मिल रहा है, ग्रैब हैंडल इधर मिल रहा है, डुअल टोन आपको बेस मॉडल से इसके अंदर मिल रहा है, हैंडल के अंदर आपको ब्लैक कलर ही मिलता है। बट यहाँ पर अगर मैं चीज़ दिखाऊँ, थोड़ा सा चीपनेस मुझे लगा, ये जो आप देख पा रहे हो मेरा, ये पूरा ये मैनुअल के साथ मिलता है भाई इसके अंदर, मतलब अगर यहाँ पर डाल देते तो 2-1 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा फ़र्क पड़ता, जो लोग बाग आराम से इस गाड़ी के अंदर दे देते। जो एक वो 10,99,000 वाला जो बैज है उसकी जगह आप अगर 11,02,000 या 11,03,000 भी कर देते तो भी पब्लिक आराम से दे देती, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें तो भाई देनी देनी एकदम मस्ट है। बाकी उसी के साथ में इंटीरियर के अंदर अगर अपन बात करें तो फैब्रिक सीट्स आपको मिल रही है डुअल टोन के अंदर, वाइट फैब्रिक आपको इधर मिल जाता है। एंड उसी के साथ में इधर आपको दिखाऊं तो एक नोट पैड वगैरह टाइप का आप इधर कुछ कैरी वगैरह करना चाहो तो रख सकते हो अपने साथ में स्टिक करके। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको इधर मिल जाता है। एंड यहाँ पर अगर अपन जैसे ही अंदर आएंगे, वैसे आप एक बार नज़ारे ले लो डैशबोर्ड के, तो वाइट कलर का थीम आपको पूरी इधर मिल रही है, इधर कॉपर कलर आपको मिल जाता है, मतलब वही जो टॉप के अंदर अपने कलर थीम दीजिए इसमें भी आपको वही वाला सेम मिल जाता है। और एक बार गाड़ी का आपको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, मतलब कितनी ज़्यादा रिफाइंड इंजन आपको मिलता है भाई, हुंडई के रिफाइनमेंट का जवाब नहीं है, क्या प्यारी साउंड है भाई। मतलब उसी के साथ में यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो स्टीयरिंग व्हील आपको ऐसा वाला मिल रहा है जो एकदम फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है अपना, यहाँ पर सिल्वर फिनिश आपको मिल जाती है। इधर आपको जो है MID वगैरह के कंट्रोल्स इधर मिल जाते हैं, मतलब MID वगैरह आप इधर से सेट कर सकते हो। बाकी उसी के साथ में इधर से ओके वगैरह करके इधर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन चाहो तो आफ्टर मार्केट आप लगा सकते हो, जब लगवाओगे जब इधर आप जो है अपना स्टीरियो वगैरह कुछ लगवा लो। इधर आपको स्टीरियो नहीं मिलता है बेस मॉडल के अंदर, पहले कंपनीज दे दिया करती थी वो मैनुअल वाला, पर वो हर कोई हटाता भाई, मतलब 1,000 लोग भी अगर ये गाड़ी खरीदेंगे ना तो 1,000 के 1,000 हटा के वो एंड्रॉइड वाला स्टीरियो लगाएंगे, तो कंपनी ने देना ही छोड़ दिया। उस जगह का पैसे सेव करके कंपनी ने और कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें गाड़ी के अंदर ऑफर कर दी जो काम की है और जो आफ्टर मार्केट नहीं लगाई जा सकती। जैसे बेस मॉडल के अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल गया, अब फील तो आपको पूरा टॉप मॉडल वन आने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्राइट आउट कर लूँ, लाइट जला रखी थी अब ब्राइट कर लिया, तो गाइस ऐसा कुछ आपको पूरा स्पीड मीटर मिल जाता है जो अपने वेन्यू के अंदर भी देखा है। बाकी ऐसे कुछ अपने पास कोई भी लेदर ऐप वगैरह नहीं मिलता। इधर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटो डिमिंग IRVM आपको नहीं मिलता, मैनुअल डिमिंग मिलता है बेस वेरिएंट के अंदर। इधर कुछ भी नहीं दिया भाई, इधर लाइट वगैरह कुछ देनी चाहिए थी क्योंकि लाइट आपको सिर्फ पीछे मिलती है, एंड ट्रस्ट मी ये चीज़ मेरी वेन्यू के अंदर भी नहीं है। और मतलब यार रात को कभी लाइट की फील ज़रूरत पड़ती है तो फिर लाइट की कमी बिल्कुल महसूस होती ही है, तो ये वाली चीज़ है। बाकी अपने पास यहाँ पर मिरर मिल जाता है आपको, और इधर अपने पास एक टिकट होल्डर आपको इधर ऐसे देखने को मिल जाता है। बाकी अपने पास इधर AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, 1,000 लैंप का कंट्रोल इधर मिल जाता है। AC जो है आपका वो पूरा आपको मैनुअल के अंदर मिल जाता है। मारुति अब जो है धीरे धीरे पूरा ऑटोमेटिक जो क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं देता बेस मॉडल से, पर डिजिटल AC देने लग गया, तो कहीं ना कहीं Hyundai को भी अब वो चीज़ देनी चाहिए अपनी गाड़ियों के अंदर, बेस मॉडल के अंदर डिजिटल AC दे दो, क्योंकि यार इतने पैसे खर्च करने के बाद 11,11 लाख रुपये ऐसे मैनुअल नॉर्म मिलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा सा फील नहीं होता। बट यार वही वाली बात है, जितना मीठा डालो उतनी मीठी चीज़ हो जाती है। बाकी अपने पास इधर एक पैड मिल जाता है, कोई फोन वगैरह रखो तो बढ़िया यहाँ पर रबड़ का पैड है जैसे स्लिप वगैरह नहीं होगा। बाकी इधर आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, ठीक ठाक स्पेशियस है, जिसमें एंटीना भी रखा हुआ है, एंटीना लगाना चाहो तो एंटीना आप लगा सकते हो। बॉटल होल्डर आपको इधर मिल गए, एंड उसी के साथ में पूरा फ्रंट का जो डैशबोर्ड लुक है ऐसा कुछ आपको मिल रहा है इसके अंदर। ये मतलब मुझे वेंट्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, गियर आपको इधर मिल रहा है बेस मॉडल से, आपको ये चीज़ इसके अंदर देखने को मिल रही है, ये मुझे काफ़ी काबिल तारीफ लगी चीज़। बाकी हैंड ब्रेक इधर मिल गया, इधर आपको ग्लोव बॉक्स मिल गया, सामान वगैरह रख सकते हो, और ऐसे कुछ आपको पूरा लेदर का आपको फील इधर मिल जाता है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका पेट्रोल इंजन है गाइस, और उसी के साथ में रियर अगर आपको दिखाऊं तो रियर के अंदर भाई काफ़ी मज़े हैं, मतलब बेस मॉडल से रियर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दे दी। चलो फटाफट से पीछे चल के बात करते हैं, सबसे पहले करते हैं गाड़ी को बंद, और ऐसे कुछ आपको साउंड बंद करने भी मिल जाता है। और जैसे ही मैंने गाड़ी का गेट खोला एंड यहाँ पर अपन रियर के अंदर आए, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपके पास स्पीकर्स की प्लेसिंग मिल जाती है। अब इसके अंदर स्पीकर्स भले ना हो पर स्पीकर की प्लेसिंग मिल गई, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। एंड रियर के अंदर आप देखो कितनी स्पेस है भाई, मतलब इस गाड़ी के अंदर स्पेस लाजवाब है, फील भी लाजवाब है, वो बेस मॉडल वाला फील ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि देखो 6 एयरबैग आपको इसके अंदर बेस मॉडल से मिल रहे हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी रियर AC वेंट्स आपको मिल गए, 2 C-type चार्जिंग पोर्ट मिल गए, फोन रखने की जगह मिल गई, और यहाँ पर हेडरेस्ट और हैंडरेस्ट दोनों आपको मिल जाते हैं। आपके जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, हैंडरेस्ट आप यहाँ से खोल सकते हो, तो मतलब वो बेस वाला जो एक क्राइटेरिया था, जो बेस वाला वो क्राइटेरिया था वो एकदम खत्म कर दिया यहाँ पर Hyundai ने। सब चीज़ें यहाँ पर आपको ऑफर करिए गाड़ी के अंदर भाई, कोई कमी फील नहीं होने वाली है। कमी आपको फ्रंट के अंदर लग सकती है बस एक स्टीरियो की, स्टीरियो लगा दिया एंड यू आर गुड टू गो, बाकी और कोई शिकायत वाली बात ही नहीं है भाई। मतलब 10,99,000 रुपये जो प्राइस है और उसमें क्या लोगे भाई, ये वाली बात है भाई। इस वीडियो में इतने तक, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो कर लीजिएगा इस वीडियो को लाइक, कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपने धन की सुरक्षा चलिए, धन्यवाद।